होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज टॉप नाइन में, यानी कि दिन भर की 9 ऐसी बड़ी खबरें जो काफी ज्यादा सुर्खियों का कारण बनी रहती हैं। भाई क्या कुछ हो रहा है बी टाउन में, ये जानकारी तो आप सभी को मिलनी चाहिए और वो जानकारी आप सभी को मिलती है हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो चलिए आपके इंतजार को अब हम खत्म करते हैं और दिखाते हैं अपनी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की देसी गर्ल यानी कि प्रियंका चोपड़ा जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती हैं। हाल ही में प्रियंका और निक के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जी हां, कहा जा रहा है कि प्रियंका और निक का तलाक होने जा रहा है। अब ऐसे में प्रियंका की बहन परिणीति चोपड़ा ने ऐसी खबरों पर अपने गुस्से को जाहिर किया और पूरी सच्चाई बताई। दरअसल परिणीति का कहना है कि ये खबर पूरी तरह से गलत है, मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, मुझे इस तरह की बातें सुनकर गुस्सा नहीं आता और इस वजह से मेरी परवरिश है, मैं किसी चीज पर ज्यादा बहस भी नहीं कर सकती हूँ। उस आर्टिकल को लेकर अगर मुझे बोलना होता तो मैं ट्वीट कर देती, लेकिन ये एक पर्सनल मामला है, लेकिन वो लोग गलत थे इसलिए उन्होंने उस आर्टिकल को हटा दिया और पूरे वर्ल्ड को पता लग गया कि वो फेक था। यकीनन ही जिस तरह से सोशल मीडिया पर प्रियंका और निक के तलाक की खबरें वायरल हो रही थी वो वाकई ही काफी शर्मसार थी। बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस कहलाई जाने वाली आलिया भट्ट जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है, हाल ही में आलिया भट्ट ने पहली बार बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर संग अपने रिश्ते को लेकर यहाँ पर यहाँ पर साफ तौर पर आलिया भट्ट ने बताया कि आखिरकार किस तरह का रिलेशनशिप है उनका। दरअसल आलिया भट्ट का कहना है कि ये एक रिश्ता नहीं है, ये एक दोस्ती है, मैं इस बात को पूरी ईमानदारी के साथ कहूंगी कि ये खूबसूरत है, मैं अभी सितारों और बादलों पर चल रही हूँ, सबसे अच्छी बात ये है कि हम दो व्यक्ति हैं जो अभी अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, हम ऐसी सिचुएशन में नहीं है जहाँ पर हमें लगता हो कि हमें साथ होना चाहिए, ये एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप की असली निशानी होती है, नजर ना लगे वास्तव में रणबीर मेरे काफी ही शानदार दोस्त हैं। यानी कि यहाँ पर जिस तरह से सोशल मीडिया पर रणबीर आलिया को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही थी, तमाम तरीके की चीजें सामने आ रही थी, तो आलिया ने साफ कर दिया कि भाई अगर आप ऐसा वैसा कुछ सोच रहे हैं तो आप अपने दिमाग से ऐसी चीजों को निकाल दीजिए, हम बस एक अच्छे दोस्त हैं। टीवी टाउन के कॉमेडी किंग कहलाए जाने वाले कपिल शर्मा जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। दरअसल आज कपिल के फैंस के लिए गुड न्यूज है कि भाई आज कपिल का जन्मदिन है और कपिल आज 38 साल के हो चुके हैं। जी हाँ, कपिल ने अपने जन्मदिन के खास मौके पर अपने बर्थडे को काफी खूबसूरत अंदाज में सेलिब्रेट किया। तो वहीं बीते दौरान कपिल शर्मा ने अरबाज खान के शो में जाकर बताया था कि किस तरह से अली के साथ उनके रिश्ते खराब हो चुके थे और आखिरकार क्यों उन्हें गुस्सा आया। दरअसल कपिल ने कहा कि अली भाई को मैं ब्लॉक करना चाहूंगा क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने मेरे मुश्किल समय में मेरा साथ क्यों छोड़ा था। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि कपिल के शो में अली जो है दादी का किरदार निभाते थे और कपिल और अली की जो दोस्ती थी वो काफी अच्छी थी, मगर बीते दौरान जब कपिल की सिचुएशन खराब हो गई, जब कपिल जो है काफी ज्यादा ही मेंटली डिस्टर्ब हो गए, तो वहीं पर उनके दोस्त अली ने उनका साथ छोड़ दिया, जिसका दुख आज भी कपिल को सताता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है, हाल ही में हेमा मालिनी ने मथुरा में कैंपेन करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि हेमा मालिनी जो है अब प्रचार में शुरू हो चुकी है कि भाई चुनावों का दौर चल रहा है और ऐसे में हेमा मालिनी भी चाहती है कि मथुरा की जो सीट है वो उस सीट से खड़ी हो और जहाँ पर वो सीट से खड़ी होंगी और वो इस सीट से जीते भी। ऐसे में जहाँ पर देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 गरमाता हुआ यहाँ पर दिखाई दिया, तो ऐसे में बीजेपी की सीट से खड़ी हुई है हेमा मालिनी। आप यहाँ पर प्रचार की कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हाथों में फूल लेकर जो कैंपेन यहाँ पर हेमा मालिनी करती दिखाई दी, वो कहीं ना कहीं ये जतला रहा है कि भाई गद्दी बहुत कुछ कराती है। जी हाँ, आपने बीते दौरान हेमा मालिनी की खेतों में फसल काटते हुए भी कई तस्वीरें
चीजें देखी होंगी जहां पर सोशल मीडिया पर हेमा मालिनी को ट्रॉल किया जा रहा है। सब यही कह रहे हैं कि हेमा मालिनी अब ड्रीम गर्ल हैं, खूबसूरत हैं, धूप में ऐसे ना निकले, गद्दी तो आती जाती रहती है। कहीं ना कहीं इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा गया कि हेमा मालिनी जहाँ पर हेमा मालिनी प्रचार को काफी दिल से निभा रही है, तो कहीं ना कहीं देखना यही बनेगा कि जब हेमा मालिनी का ये जो इन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी शुरू की है, जिस तरह से फसलों को काटना, हाथ में फूल लेकर प्रचार करना, ये कितना सफल होता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ जो अक्सर ही खबरों का कारण बनी रहती है, हाल ही में कैटरीना कैफ को जोया अख्तर के घर पे यानी कि हाउस पार्टी को अटेंड करते देखा गया, जहां पर देर रात आप यहां कैटरीना को अकेले देख रहे होंगे। यहां पर कैटरीना के साथ सलमान खान नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी हां, तस्वीरों में आप यहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहां पर कैटरीना जो है काफी ही हॉट अंदाज में दिखाई दे रही हैं। यहां पर सलमान खान जो है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। कैटरीना यहां पर अकेले ही बाहर निकलती हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि सलमान और कैटरीना की फिल्म भारत का जो सीक्वल था, जितने भी शूट्स थे वो पूरे हो चुके हैं। अब सलमान खान इंदौर में है, जहां पर वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ दबंग 3 की शूटिंग में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से अकेली हो गई हैं कैटरीना कैफ, जहां पर बीते दौरान वो सलमान का साथ लिए घूम रही थी। अब ऐसे में हर को यही कह रहा है कि मैडम ये तो जिंदगी का सिलसिला ही है भाई, हर किसी को जाना पड़ता ही है। कहते हैं कि किसी को हंसाना भी एक कला होती है, आप हर किसी को हंसा नहीं सकते। तो टीवी टाउन के किंग इन्हें कहा जाता है, जो है कपिल शर्मा। जी हाँ, कपिल शर्मा का आज जन्मदिन है और 38 साल के कपिल शर्मा हो चुके हैं। बीते दौरान कपिल ने काफी स्ट्रगल किया और काफी ही स्ट्रगल का दौर भी उन्होंने सहा। जब पिता का साया सर से छिन गया तो माँ एक ढाल बनकर सामने आई। जी हाँ, कपिल शर्मा का जीवन काफी ही संघर्षपूर्ण रहा है। अगर आज वो कपिल शर्मा बने हैं तो इसके पीछे का संघर्ष भी किसी से छुपा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि जिस एक शख्स के साथ वो सबसे ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व मानते हैं वो उनकी माँ है। जी हाँ, कपिल भी अपनी मम्मी की काफी इज्जत करते हैं। हर एपिसोड में देखा जाता है कि कपिल की मम्मी वहां पर मौजूद होती है। कपिल का मानना है कि उनकी मम्मी उनके लिए एक लकी चार्म है। जी हाँ, और कई बारी देखा गया है कि कपिल शर्मा शो के दौरान भी कैमरा उनकी मम्मी के पास जाता है, जहाँ वो अपनी मम्मी के साथ उल्टू मस्ती करते भी देखे जाते हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में तमाम खबरें आई थी प्रियंका चोपड़ा को लेकर। प्रियंका चोपड़ा डाइवोर्स ले रही है अपने हस्बैंड निक जोनस से। ये खबर एक मैगजीन में छापी थी, ओके मैगजीन को लेकर ये खबर काफी चर्चा में रही और काफी ज्यादा क्रिटिसाइज की गई। ओके मैगजीन की वो खबर, वो आर्टिकल जिसमें प्रियंका निक के तलाक को लेकर बातें लिखी गई। लिखा गया था कि प्रियंका जो है बचकानी हरकतें करती हैं, 21 साल की उम्र की लड़कियों की तरह बिहेव करती हैं और इसी वजह से जोनस परिवार परेशान है, जो निक को फोर्स कर रहे हैं कि तुम प्रियंका से तलाक ले लो। जो निक जोनस प्रियंका को समझ नहीं पाए थे और उन्हें लगा था मैच्योर है प्रियंका, इसलिए उन्होंने शादी का फैसला लिया, अब वो शादी को तलाक में तब्दील करेंगे। ऐसी खबरें छपी होगी मैगजीन को लेकर ये बातें सामने आई थी। लेकिन अब तलाक को लेकर प्रियंका चोपड़ा निक जोनस का बड़ा खुलासा सामने आ गया है। ये वीडियो की तस्वीरें हम लेकर आए हैं आपके बीच, जो कि एक लाइव वीडियो प्रियंका ने बनाया और निक के साथ रोमांटिक होती हुई प्रियंका चोपड़ा नजर आई। इस बात का खुलासा करती हुई कि वो अपनी जिंदगी में अपने हस्बैंड निक के साथ काफी खुश हैं। बता दें, निक और प्रियंका की जोड़ी जो लास्ट ईयर दिसंबर के महीने में जुड़ी, इनकी शादी को लेकर लगातार ही खबरें ऐसी आती हैं कि ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन बार बार करारा जवाब पति पत्नी देते हैं ऐसे ही रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर। गौर हो अभी हाल ही में मियामी में दोनों ने वेकेशन ट्रिप एंजॉय किया, जहां उनका साथ जॉर्ज ऑनर्स और सोफी टर्नर ने दिया था। हम बात कर रहे हैं अपने इस खास रिपोर्ट में बॉलीवुड की बारबी डॉल यानी कि कैटरीना कैफ के बारे में। कैटरीना कैफ के बारे में ये जानकारी तो आपको है ही कि कैटरीना बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने हमेशा से अपने अंदाज को सबके दिलों पर राज कर
सिखाया है। कटरीना हमेशा लोगों की फेवरेट रही और सबसे ज्यादा फेवरेट रही है वो अपने को-स्टार सलमान खान की। इसी वजह से सलमान के बजाय कोई भी सितारा अगर कटरीना के साथ दिखे तो तमाम अपडेट्स सामने आती हैं। हाल ही में ये तस्वीर वायरल हुई जिसमें कटरीना रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी के साथ नजर आई। भाई ये केमिस्ट्री किस बात की तरफ इशारा करती है, सोचिए ना कैसे रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के बीच गुप्तगु हो रही है और कटरीना वहां हस्ती खिलखिलाती रोहित शेट्टी के हाथ को थाम कर बैठी है। गुपचुप कटरीना कर रही है मस्ती। बता दें हाल ही में एक अवार्ड समारोह में पहुंची थी कटरीना मरून रंग की ड्रेस में और वहीं की तस्वीर सामने आई है। बता दें रणवीर और रोहित के बीच काफी बॉन्डिंग अच्छी तब से हुई जब दोनों ने सिम्बा फिल्म में एक दूसरे के साथ जबरदस्त साझेदारी की, तो वहीं डायरेक्टर और एक्टर की बॉन्डिंग लाजवाब नजर आती है। कटरीना को रणवीर सिंह के साथ देखा जा रहा है और रोहित शेट्टी का हाथ थामे देखा गया है, जिसे देख कहना गलत नहीं होगा कि सलमान खान के बिना कटरीना यहाँ इन दो लोगों के साथ काफी खुश है, जो उनके साथ जमकर मस्ती कर रही है। वह मलाइका अरोड़ा गॉर्जियस एक्ट्रेस जो हमेशा से अपने डांस को लेकर जाने जाती हैं। मलाइका अरोड़ा जिनकी डांस के दीवाने यहाँ करोड़ों हैं इंडिया में और तो और श्रीलंका से लेकर आसपास के कई कंट्रीज में मलाइका की होती हैं बातें। मलाइका अरोड़ा जिनके बारे में आपने तमाम बातें सुनी होगी। 23 अगस्त साल 1973 में जन्मने वाली मलाइका अरोड़ा 45 साल की हो चुकी हैं और इसके बावजूद वो इतने फिट हैं कि लोगों को इंस्पायर करती हैं फिट रहने के लिए, खास तौर पर महिलाएं जो कि बॉलीवुड से जुड़ी हैं। एज एन एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा डांसिंग क्वीन है जो कि आइटम डांसेस में टॉप पर हमेशा बनी रही है। दबंग से लेकर दबंग 2 और साथ में हाउसफुल में भी, हाउसफुल के दूसरे सिक्वल में भी काम करने वाली मलाइका ने तमाम गानों के जरिए अपने को काफी खुश रखा और लोगों को भी खुश रखा। जिन दिनों अर्जुन कपूर को डेट करने को लेकर चर्चा में है उनके हस्बैंड अरबाज खान रहे, जिनके साथ 2 साल पहले उन्होंने तलाक ले ली थी एक्स हस्बैंड के साथ अरबाज खान के साथ। आज भले ही मलाइका का रिश्ता पति पत्नी वाला ना हो लेकिन वो फिर भी उनके साथ जुड़ी है। ऐसे में उनके बारे में जानकर शायद आपको दुख पहुंचे क्योंकि मलाइका अरोड़ा तो हाल ही में नजर आई थी एंजॉय करते हुए ट्रिप। जी हाँ, एंजॉय करती हुई ट्रिप मालदीव घूमने वाली मलाइका को देखा गया इस व्हाइट ड्रेस में, जिसमें देखिए ना उनके कमर का कैसा हस्प नजर आया है। जी हाँ, देखिए जरा उनका ये लुक जिसमें वो अपने ड्रेस की वजह से अपने पतली कमर को दिखा रही हैं और पतली कमर पर कुछ निशान बने हैं जो कि ड्रेस की वजह से बताया जा रहा है। अब कारण जो भी हो लेकिन ये जो स्पॉट्स नजर आ रहे हैं वो नेटेड ड्रेस की वजह से कहा जा रहा है। मलाइका छुपा नहीं पाई जिस पर वो गौर नहीं कर पाई। सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने टॉप 9 में किस तरह से बी टाउन में क्या कुछ हो रहा है, भाई बी टाउन में किसने किसको छोड़ दिया और क्या कुछ चल रहा है, ये सारी जानकारी मिली है आपको हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो फिलहाल आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही, आप हमें दे दीजिए इजाजत, मगर हाँ जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।